अस्सलाम वालेकुम। क्लास वन का आज हमारा यूनिट नंबर थ्री स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर वन द ह्यूमन बॉडी एंड यूनिट नंबर टू द एनिमल वर्ल्ड, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है द प्लांट वर्ल्ड। इसमें पेज नंबर 20 एंड 21 हम पढ़ेंगे। और जो प्रीवियस आपको मैंने दोनों यूनिट्स पढ़ाए हैं, आपने जो फर्स्ट वाला यूनिट है द ह्यूमन बॉडी, उसकी घर में अच्छी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि किसी भी दिन मैं आपको बताऊंगी, फिर उससे नेक्स्ट डे में आप लोगों की वो टेस्ट भी लोगी। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 20 एंड 21। ये स्टार्ट है, इसमें हमें बताया जा रहा है प्लांट्स के अबाउट। अब हम अपने इर्द गिर्द डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं, ठीक है। उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर्स लगे होते हैं, वो हमें बहुत ही प्यारे अट्रैक्टिव लगते हैं। जाहिर सी बात है, नेचर है तो नेचर जो है वो प्यारी ही लगती है। जब हम सैड हो, कुछ हो, तो हम अगर प्लांट्स को देखें, ग्रीनरी को देखें, तो उससे हमारा माइंड जो है वो फ्रेश होता है। तो आप अपने घर में भी, इर्द गिर्द में भी, आप स्कूल में भी, और बहुत सी जगह है जहाँ पर आप डिफरेंट प्लांट्स को देखते हैं, ठीक है। जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो उसमें कुछ फ्लावर्स होते हैं, उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें देखने में बहुत ज़्यादा प्रीटी लगते हैं। तो आज हम उसी के बारे में कि प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उनके टाइप्स क्या हैं, यहाँ पर आपकी बुक में जो प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं वो क्या हैं, टू टाइप्स हैं। एक वो वाले प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, और एक वो वाले प्लांट्स हैं जिनके अंदर जिन पे कॉन्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वो प्लांट्स जिनपे फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, और दूसरे कॉन्स होते हैं जिनके ऊपर कॉन्स होती हैं, जिनपे फ्लावर्स नहीं होते, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है फ्लावर, ये प्लांट है, तो ये क्या है, इसके ऊपर फ्लावर्स ग्रो किए हैं, ये येलो कलर के जो नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। इसी तरह से ये एक और प्लांट है, इसमें क्या है, ये यहाँ पर इस पर फ्लावर्स नहीं है बल्कि इसके ऊपर क्या बनी हुई है, कॉन्स बनी हुई है, तो ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। अब आगे पेज पर आए, पेज नंबर 21 पर, कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जंगल में हम देखें, मरी वाले साइड पर अगर कहीं जाएं तो वहां पर क्या होता है, बहुत लंबे लंबे से दरख्त होते हैं, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा टाल होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, स्मॉल से होते हैं। जैसे ये शॉर्ट्स है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। ये घरों में भी आपके ये रोज का जो प्लांट होगा वो क्या होता है, वो छोटा ही होता है, वो इतना ज्यादा बड़ा ग्रो नहीं करता, ट्री नहीं बनता इतना, ठीक है। वो क्या है, शॉर्ट्स होती हैं जो शॉर्ट होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं जो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स जो कि जमीन में ग्रो करते हैं, यानी कि सोइल के अंदर लगाए जाते हैं, वहां पर ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर जो है वहां पर उन्होंने ग्रो कर जाना, यानी कि पानी में उनको मॉइस्चराइजेशन मिली है पर वहां से वो ग्रो कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये एल्जी है, एल्जी कहाँ ग्रो करता है, वाटर के ऊपर, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा पानी के ऊपर अगर कहीं कोई ऐसी जगह हो तो ग्रीनरी सा कुछ हमें नजर आता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एल्जी होता है जो कि पानी के ऊपर ग्रो किया होता है। इसी तरह से कुछ जो फ्लावर्स हैं, कुछ जो प्लांट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जमीन में ग्रो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें, जमीन के अंदर, सोयल के अंदर वो क्या किया गया, उसको लगाया गया होगा, ठीक है। वैसे तो सारे प्लांट जो जमीन के अंदर, सोयल के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं ना, कुछ होते हैं जो पानी में भी ग्रो करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने घर में इन दोनों पेजेस को अच्छी तरह से पढ़ना है, अपने इर्द गिर्द आपने देखना है डिफरेंट प्लांट्स को, ठीक है। उनमें से कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने उनके नेम्स भी मैंशन करने लिखने हैं। थैंक यू।